नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ओजोन परत क्या है, ओजोन परत के कार्य क्या है, ओजोन छिद्र क्या होता है, ओजोन छिद्र से क्या हानियां होती है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो देखिए ओजोन परत क्या है। ऑक्सीजन मूल रूप में द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है, अर्थात O2 के रूप में। ऑक्सीजन जो होता है O2 के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं, जिसका सूत्र O3 होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है, और इसे ओजोन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ओजोन विषैला होता है। ओजोन क्या होता है? विषैला होता है। ओजोन पृथ्वी के सतह के निकट स्थिर नहीं रह पाता। ओजोन जो होता है, O3 जो होता है, पृथ्वी के सतह के निकट स्थिर नहीं रह पाता। ओजोन का 95% भाग समताप मंडल की निचली परत में 15 से 35 किमी के बीच पाया जाता है। ओजोन का 95% भाग समताप मंडल की निचली परत में 15 से 35 किमी के बीच पाया जाता है। इसी को ओजोन परत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत की खोज सन 1913 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री फाइबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन परत की खोज सन 1913 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री फाइबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के कार्य, अब ओजोन परत की तो चर्चा हुई, लेकिन ओजोन परत के कार्य क्या है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली सजीवों के लिए हानिकारक विकिरणों जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली सजीवों, जीवधारियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक विकिरणों, परावैगनी विकिरणों, जिसे अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज, को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार जीवों के लिए हानिकारक विकिरण पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाता है। इस कारण जो ये हानिकारक विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेज, पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाता है। अब ओजोन छिद्र क्या होता है? कुछ रासायनिक यौगिकों के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि AC तथा फ्रिज के शीतलन से निकलता है। यानी AC और फ्रिज जो हर फ्रिज क्या करता है? सामानों को ठंडा करता है। AC कमरे को ठंडा करता है। तो इनके ठंडा करने के कारण CFC गैस निकलती है, जो कि ओजोन परत से क्रिया करके उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। इसी कारण क्या होता है? इन्हीं यौगिकों के कारण वायुमंडल के जिस भाग में ओजोन परत की मोटाई कम है, उसे ओजोन छिद्र कहते हैं। ये करते क्या है? CFC नाइट्रस ऑक्साइड ये जा करके ओजोन से क्रिया करते, उसे ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं, तो उस भाग की जो ओजोन परत रहता है उसकी मोटाई क्या होती है? कम हो जाती है। तो जिस भाग की मोटाई कम हो जाती है उसी को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। अब देखिए ओजोन छिद्र से हानियां क्या हैं। जिस भाग में छिद्र, यानी पृथ्वी के जिस वायुमंडल के जिस भाग में छिद्र है, वहाँ के मनुष्यों को त्वचा कैंसर अधिक होता है। जहाँ ओजोन परत क्या है? पतला है, वहाँ अल्ट्रावायलेट विकिरण जो हानिकारक होती हैं, मनुष्यों के त्वचा में कैंसर उत्पन्न करती हैं। ओजोन छिद्र से आने वाली, भाई ओजोन परत पतला है तो उसे ओजोन छिद्र कहते हैं, तो उससे आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है आँख की कार्निया को नुकसान पहुँचाती है। आँख की कार्निया को क्या करती है? नुकसान पहुँचाती है। और तीसरा, अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
अल्ट्रावायलेट किरण जो आती हैं, जो कि ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। यदि ओजोन लेयर क्या है, पतला है, तो सीधे सीधे अल्ट्रावायलेट क्या करेगी, पृथ्वी की सतह के निकट आएगी और उसका तापमान बढ़ाएगी। तो इस कारण जो पृथ्वी का मौसम है वो भी चेंज होता है। नमस्कार।